डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति रहे हैं। वे भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और एक आस्थावान हिंदू विचारक थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा और उनके जन्म दिवस 5 सितम्बर को भारत में शिक्षक दिवस यानी की टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। आइए हम आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन की 8 खास बातें बताते हैं। दक्षिण भारत के तिरुतनी नाम के एक गांव में 1888 को प्रकांड विद्वान और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। वे बचपन से ही मेधावी थे। उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए की उपाधि ली और सन 1916 में मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक नियुक्त हो गए। इसके बाद वे प्राध्यापक भी रहे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित करवाया। सारे विश्व में उनके लेखों की प्रशंसा की गई। शिकागो विश्वविद्यालय ने डॉक्टर राधाकृष्णन को तुलनात्मक धर्म शास्त्र पर भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। वे भारतीय दर्शन शास्त्र परिषद के अध्यक्ष भी रहे। कई भारतीय विश्वविद्यालयों की भांति कोलंबो एवं लंदन विश्वविद्यालय ने भी अपनी अपनी मानद उपाधियों से उन्हें सम्मानित किया। विभिन्न महत्वपूर्ण उपाधियों पर रहते हुए भी उनका ध्यान सदैव अपने विद्यार्थियों और संपर्क में आए लोगों में राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने की ओर रहता था। डॉक्टर राधाकृष्णन अपने राष्ट्र प्रेम के लिए विख्यात थे, फिर भी अंग्रेजी सरकार ने उन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया क्योंकि वे छल कपट से कोसों दूर थे। अहंकार तो उनमें नाम मात्र भी न था। भारत की स्वतंत्रता के बाद भी डॉक्टर राधाकृष्णन ने अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वे पेरिस में यूनेस्को नामक संस्था की कार्य समिति के अध्यक्ष भी बनाए गए। यह संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है और पूरे संसार के लोगों की भलाई के लिए अनेक कार्य करती है। सन 1949 से सन 1952 तक डॉक्टर राधाकृष्णन रूस की राजधानी मॉस्को में भारत के राजदूत पद पर रहे। भारत रूस की मित्रता बढ़ाने में उनका भारी योगदान रहा था। सन 1952 में वे भारत के उपराष्ट्रपति बनाए गए। इस महान दार्शनिक शिक्षाविद और लेखक को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने देश का सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न प्रदान किया। 13 मई 1962 को डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बने। सन 1967 तक राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने देश की अमूल्य सेवा की। डॉक्टर राधाकृष्णन एक महान दार्शनिक, शिक्षाविद और लेखक थे। वे जीवन भर अपने आप को शिक्षक मानते रहे। उन्होंने अपना जन्मदिवस शिक्षकों के लिए समर्पित किया, इसीलिए 5 सितम्बर सारे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है।